जी हाँ भाई बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे सी दुबई सिटी में। मैं हूँ सुमित और आप देख रहे हैं टेक गेमर। तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो और गाइस कैसे हो यार? तो यार ये माइनक्राफ्ट गेम जो कि यार बहुत ही पुरानी है और जो इसके ग्राफिक्स भी यार वो भी इतने अच्छे नहीं है, बट इस गेम को खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बिकॉज इस गेम में आपको क्राफ्ट करना पता है और बहुत सारी चीज़ें इस गेम में है जो कि यार आपको एडवेंचर गेम है ये, ठीक है। और इसमें आप खुद को बिल्ड करना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप ये गेम जो है यार खेल सकते हैं। जो हमारे टेक्नोज गेमर भाई है वो भी अभी यही फिलहाल गेम खेल रहे हैं और GTA 5 तो यार है ही अच्छी गेम। तो यार इसके ग्राफिक्स यार आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि यार उनके ग्राफिक्स माइनक्राफ्ट के बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं। तो यार वो ग्राफिक्स माइनक्राफ्ट के नहीं बल्कि वो एक्सटर्नल शेडर यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में गाइस मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप एक एक्सटर्नल सेटअप माइनक्राफ्ट में कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आपको भी यार जानना है तो यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चलिए यार। गाइस सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में तीन लिंक दिए होंगे, तो यार वहाँ से आपको ये तीनों फाइल डाउनलोड कर लेनी है। तो उस तीनों फाइल का जो साइज है यार वो 100 MB से भी कम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो तीन फाइल देखने को मिलता है, एक रियलिस्टिक 256 और एडा कनेक्ट और UG सेडर 2.0। तो उनमें से सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो उस पर आपको सिंपल टैप करना है और यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जहाँ पे आपको एक अपने जो स्टोरेज में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा रियलिस्टिक को 256 MB पैक, तो उसी पे आपको जाना है और यहाँ पे जो डेमो वर्जन है उसे आपको प्रेस लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसको आपको मूव कर देना है यहाँ पे गेम्स फोल्डर पे जो कि आपका माइनक्राफ्ट का है। और यहाँ पे कॉम मोजेंग और यहाँ पे आपको मिलता है रिसोर्स पैक, तो यहाँ पे आपको इसे मूव कर देना है। यही सेम प्रोसेस आपको उन दोनों के साथ भी करना है। यहाँ पे दोस्तों हमने सारे चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना माइनक्राफ्ट ओपन करना है। तो मैं अपने माइनक्राफ्ट पे चले जाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमारा माइनक्राफ्ट ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको प्ले का ऑप्शन आता है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिना सेडर्स के जो वर्ल्ड है वो कैसा लग रहा है हमारे चपाटी भाई का, जो कि ये दुबई सिटी यार। तो यार देख लेते हैं कि वो कैसा लग रहा है बिना सेडर्स का और फिर हम उसमें सेडर यूज़ करने के बाद देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यार बिना सेडर्स के ये वर्ल्ड कैसा लग रहा है। तो अभी मैं सेडर्स भी यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस स्केलेटन को मार देता हूँ वरना ये मेरे को तंग करेगा, ठीक है। तो अब मैं इस पर आपको सेडर्स लगा के दिखाता हूँ। तो सेडर्स कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको कर देना है 7 क्विट, बट अगर आप पहले से अगर और यहाँ पे आपको एक पेंसिल का निशान मिल जाता है जो कि एडिट का है, तो उसी पे जाना है। और यहाँ पे नीचे आपको एक रिसोर्स पैक का ऑप्शन मिलता है जिसमें माई पैक्स में चले जाना है और यहाँ पे आपको जो टीम पैक मिलते हैं इन तीनों को आपको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चन मार्क बता रहे हैं ये इसलिए क्योंकि मैंने पहले ट्राई करके डिलीट किया, तो ये जो है अभी भी बता रहे हैं, बट कोई बात नहीं, अब हम प्ले करते हैं। तो अब जो हमारा रिसोर्स पैक है वो एक्टिवेट हो चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा लगता है, ठीक है। और अगर दोस्तों अगर मेरे डिवाइस में हैंग हो तो यार सॉरी उसके लिए, बिकॉज यार मुझे नहीं पता कि मेरे डिवाइस में हैंग होगा या नहीं, क्योंकि यार इतनी बड़ी जो सिटी है दुबई, तो यार उसमें बहुत ही सारे जो एनिमल्स है, इसलिए यार हो सकता है कि गेम क्रैश हो जाए, बट इसके पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। बट अगर आप अपने डिवाइस में यूज़ करोगे तो आपका इतना लैग नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि ये लालटेन मीन्स असली एक्ट में कैसा लग रहा है। और देखो दोस्तों इसके ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो यार इसी तरह, ठीक है, तो मैं एक बार इसको आपको डे करके दिखा देता हूँ कि ग्राफिक्स कैसे है। तो यहाँ पे डे करने के लिए मैं सबसे पहले एक बेड ढूंढ लेता हूँ, यहीं कहीं शायद तक बेड मिल जाना चाहिए। और भाई क्रीपर फट जा, तो यहाँ पे एक बेड मिल चुका है। तो यार फटाफट से हम इस पर सो जाते ताकि तुरंत दिन हो जाए। तो यहाँ पे हो चुका है डे और मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि यार कितने अमेजिंग लग रहा है ये ग्राफिक्स। आप वहाँ पे देख सकते हैं जो सूरज है वो उग रहा है और यहाँ पे विलेजेस को आप देख सकते हैं। तो यार मैंने ब्राइटनेस थोड़ी बहुत ही ज़्यादा कर दी है, तो मैं पहले ब्राइटनेस को लो कर लेता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी सही है, तो यार देख सकते हैं यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ग्राफिक्स।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और स्टोन की ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। और मेरे को इसमें बहुत अच्छी चीज़ लगी यार, इसके शेडोज। तो यार कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल पे नए तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना इसी टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो के लिए।